देखो अब यही होता है, नए आदमी देखो चाबी कौन सी लगा रहे हैं, ये चाबी इसमें लगा रहे हैं। खर्चा नीचे करो, ये देखिए अब डी पे आ गई, अब ब्रेक छोड़ दो। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर एस ब्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशल उनके लिए जो कि न्यू है ड्राइवर की जॉब में आ रहे हैं, न्यू ड्राइवर की जॉब में आए हैं। इससे पहले वो कभी गल्फ कंट्री नहीं गए हुए हैं, जैसे कि कुवैत, ओमान, दुबई, कतर, बहरीन, ये सब जगह के जो गाड़ी का ट्रैफिक रूल है वो सारा का सारा एक ही होता है। तो इसके लिए अभी हमें कुवैत में, और हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो फर्स्ट टाइम कुवैत आ रहे हैं न्यू ड्राइवर की जॉब में, तो वो यहाँ पे कार ड्राइव कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाड़ी स्टार्ट करने से लेके ड्राइविंग कैसे रोड पे चलाना है, कैसे क्या करना है, सब आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। और सबसे बढ़िया ये चीज़ है क्योंकि एक अभी एक आए हैं इंडिया से, उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, उनको गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता, तो उनके कफील जो हैं, जो कुवैती होता है उनका मालिक, उन्होंने हमें कहा है कि उनको गाड़ी सिखा दो। तो इस पर और भी अच्छा है, आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा कि कैसे गियर लगाया जाता है, ऑटोमेटिक गियर कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो उनसे भी मिलाएंगे और साथ में उनको सिखाएंगे और आपको भी देखने को। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना कैसे क्या करना है ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं भाई साहब, तो इनसे जानेंगे क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिन हुआ आके। तो आज हम इनको बताने वाले हैं कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है, जो कि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में। आज इंडिया में जो भी चला है, इंडिया में गल्फ़ के बारे में कोई थोड़ा सा भी इनको नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम राजा हुआ, हम यूपी से हैं। तो कितने दिन हुआ आके? मेरा यही 15 दिन हुआ है। कुवैती अच्छा है, हारिस में आए थे। अच्छा, वो बोला है कि तुम सीखो गाड़ी, हम तुमको लाइसेंस बना देंगे। चलो तो इनको 15 दिन हुआ है आके, थोड़ा नर्वस है, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं इनके साथ, हम इनको गाड़ी सिखाएंगे। तो चलिए इनसे दिखाते हैं और चाबी इनको देते हैं और इनको देखते हैं क्या करते हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए। तो राजा भाई, ये रही चाबी। और सबसे पहले गाड़ी जो है फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो गाड़ी में अगर कोई नया आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप पहले गाड़ी को देखो, गाड़ी को चारों तरफ से अपनी कार जो चलाओगे उसको एक बार देखो। उससे क्या होता है कि आपको साइज़ पता चल जाता है कि क्या है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ठीक है। तो आप एक राउंड गाड़ी का मान लो। तो राजा भाई चलिए गाड़ी में बैठिए, तो हम भी बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। गाड़ी थोड़ा गंदी है क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए है। तो सबसे पहले बैठिए और इस तरह कुछ गाड़ी होती है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये एक टोयोटा की कैमरी है जो कि फुल ऑटोमेटिक है। देखिए स्टेयरिंग पूरा कंट्रोल, मिरर का उसका कंट्रोल, इन लॉक, गेट लॉक वहाँ पर होता है। और ये इसका डिस्प्ले है और ये इसका गेयर बॉक्स है, पूरा ऑटोमेटिक। सबसे पहले यहाँ आप देखोगे एक्सीलेटर राइट में, राइट छोटा पैडल, राइट पैर, दाहिना पैर यूज करना है, लेफ्ट का कोई काम नहीं। ये एक्सीलेटर है, उसके बाद में ब्रेक है, ये ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक कब दबाया जाता है मतलब? हाँ, उसको छोड़ दो पैर, उसको दाहिना से एक ऐसा लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। मतलब पार्किंग है, मतलब रिटर्न है, मतलब न्यूट्रल है। हाँ, डी मतलब, डी मतलब, हाँ डी मतलब ड्राइव, ड्राइव। तो सबसे पहले आप स्विच लगाइए। क्या भी मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, यही होता है नए आदमी। देखो चाबी कौन सी लगा रहे हैं, ये चाबी इसमें लगा रहे हैं। हाँ, ये चाबी इग्निशन ऑन करो। हाँ, अभी इग्निशन, ये बोलते हैं इग्निशन, कभी भी इग्निशन ऑन करके तुरंत स्टार्ट नहीं करना है। अभी स्टार्ट करो, घुमा पकड़ के रखो, घुमाओ ऐसा, पकड़ के रखना नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ा रोक के रखो, स्टार्ट हो जाएगी, बस छोड़ दो। अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई, गेट बंद है। हाँ, अब क्या करना है, सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, स्टार्ट करने चलने से पहले हमेशा सीट बेल्ट लगाओ। अब क्या करना है, अब सबसे, अब सीट बेल्ट लगाने के बाद, ये बिल्कुल नए आदमी के लिए वीडियो लंबा होगा, हो सकता है 15 मिनट 10 मिनट का हो जाए, लेकिन पूरा देखना। जो न्यू आदमी जो रिटर्न है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करना है, सीट बेल्ट लग गया, गाड़ी स्टार्ट होगी, अभी क्या करोगे, ब्रेक दबाओगे। और इतना ध्यान रखना दाहिने पैर का यूज़ करना है, लेफ्ट का कोई काम नहीं है, दाहिने से ही ब्रेक, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें क्लच नहीं है।
पैर थोड़ा हो रहा है तो सीट एडजस्ट कर सकते हो अपनी, पीछे कर लो। कंफर्ट है अब? हाँ बस जितने में आपको आराम मिले उतना सीट कर लो। अभी क्या करना है, ब्रेक दबाओ। ठीक, ब्रेक दब गया। अब गियर लगाओ, इसको डी पे करो, इसको इधर लाओ और नीचे खींचो, डी पे लेके जाओ। हाँ ये, और नीचे जाओ नीचे। हाँ एक खांचा बने होते हैं, उस पर अपने आप आ जाएगी वो। अभी क्या करना है, ब्रेक छोड़ देना है। ब्रेक छोड़ो, चलेगा गाड़ी। हाँ गाड़ी चल देगा, देखो ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी अपने आप चल देगी। ब्रेक छोड़ दिया, छोड़ा। हैंड ब्रेक लगी है ना, हैंड ब्रेक तो छोड़ा ही नहीं हो, तो ब्रेक दबाओ और हैंड ब्रेक को पुश वाली, उसको एक बार पुश करो पैर से लेफ्ट से। हाँ उसको दबा के छोड़ो, नीचे दबाओ। हाँ वो ब्रेक, उसको दबाओ, ये हैंड ब्रेक होता है, छोड़ो। अब दोबारा दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगी, ये पुश ऑन ऑफ होता है सिस्टम। अभी ब्रेक छोड़ो। सब में ऐसे ही रहता है, कहीं अलग रहता है? कुछ जो बड़ी गाड़ी है उसमें यहाँ पे खींचने वाला होता है, हैंड ब्रेक उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, हैंड ब्रेक इसको है, ये पुश ऑन ऑफ होता है, लेग पे होता है। चलो अभी क्या करना है, ब्रेक छोड़ना है। ब्रेक छोड़ दो, क्योंकि क्लच तो है नहीं, ब्रेक छोड़ दो अपने आप गाड़ी चल जाएगी। वहाँ नीचे मत देखो, आगे देखो। तो कुछ इस तरह से आपको गाड़ी चलाना है। ये देख लो, बिल्कुल नया आदमी है, आपको स्टेयरिंग पकड़ने से उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बिल्कुल न्यू आदमी है। तो अभी आपको क्या करना है, और हमेशा पैर का कंट्रोल आपको रखना है, ठीक है, पैर का कंट्रोल होना चाहिए। तो मेन चीज जितना कंट्रोल रखोगे पैर पे, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना है, और एक हाथ से स्टेयरिंग चलाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करो एक हाथ से चलाने की। अब वो मस्जिद की पार्किंग है, वहाँ पार्किंग दिख रही है, देखो शीशा टूटा हुआ, वो पार्किंग में सीधा सीधा लगाओ। कौन सा पार्किंग? वो पार्किंग दिख रहा है, ब्रेक लगाओ। हाँ ये ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ चलो चलो, इसमें पार्किंग में लगाओ, दोनों व्हाइट के बीच में लगाओ, यहाँ लगाओ। हाँ एक्सीलेटर का यूज नहीं करना है, ब्रेक का। हाँ चलो यहाँ लग गया। अब रिवर्स करना है, कैसे करोगे, ये देखिए रुक गई। अब यहाँ पे मान लो पार्किंग करना है गाड़ी, आपको खड़ी करके जाना है, कैसे करोगे? तो यहाँ अगर आपको पार्क करना है, आप नए हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको एन पे करना होगा, इसको एन पे करो, एन पे कर दिए। अब हैंड ब्रेक लगाओ, ब्रेक दबाओ, उसको पुश करो। हाँ बस आराम से, अब ब्रेक छोड़ दो। ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं ये आपको सेकंडों में करना है। ब्रेक छोड़े, ब्रेक दबा के इसको पार्किंग में करो, फिर ब्रेक दबाओ, इसको पार्किंग में कर दो। ये हो गई पार्किंग का तरीका, यानी पहले न्यूट्रल करना है, हैंड ब्रेक लगा के हल्का सा ये ब्रेक छोड़ना है, फिर दबा के पार्किंग। ये इससे क्या होता है, अगर गाड़ी आपकी ढाल पे है, पीछे मान लो आगे ऊंचा है नीचे ढाल पे, तो गाड़ी गियर पे लॉक नहीं होती है। तो चलिए अब राजा भाई आप एक काम करिए, अब गाड़ी पार्किंग में है, अब यहाँ से आप बाहर निकालिए। कैसे निकालोगे? सबसे पहले अब हम बताएंगे ना, अब आप जो क्या करोगे, सबसे पहले हम ये इसको हटाएंगे। सबसे पहले ब्रेक दबाओ, नहीं वो नहीं हटेगा, पहले ब्रेक दबाओ, फिर इसको आर पे करो, यानी रिवर्स इधर करके। हाँ बस ये रिवर्स हो गया, आप ब्रेक हैंड ब्रेक हटाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है वो, वहाँ दोनों साइड आप देखो, इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है। अब आपको पार्किंग से बाहर निकालना है, ब्रेक छोड़ना है। हाँ इसमें एक्सीलेटर का यूज नहीं करना, आपको जिधर जाना है उधर स्क्रीन में, मान लो आपको इस तरफ जाना है तो इधर घुमाएंगे। हाँ इधर घुमाओगे लेफ्ट में, राइट में जाना है तो स्टेयरिंग लेफ्ट में घुमाएगी। और इसमें पार्किंग निकालते टाइम एक्सीलेटर का यूज नहीं करना है। चलो घुमाओ, पूरी पूरी घुमा दो। हाँ बस बस करो, बस करो, अभी ब्रेक लगाओ, अब डी पे डालो इसको। हाँ एक और खाचा नीचे करो, ये देखिए अब डी पे आ गई, अब ब्रेक छोड़ दो। ये पहली बार गाड़ी पे बैठे हैं, अभी तक इन्होंने एक महीना हो गया इनको आके, और इन्होंने अभी तक ड्राइव नहीं की थी। इंडिया में चलाया है, थोड़ा सा चलाया होगा। ये जो पट्टी ये दिख रही है लाइन वाइट, इस पे चलना है आपको सीधा सीधा, ये समझ लो रोड है, इस रोड पे चलना है। यहाँ से एक चीज़ हमको जानना है। अच्छा हमको यहाँ पे ध्यान किधर रखना है, मतलब हमको कैसे हमको समझ में आएगा मेरा गाड़ी रोड पे चल रहा है? आप देखिए रोड, यहाँ के बाद नीचे नहीं दिखता। नहीं आपको बोनट देखने की जरूरत नहीं, रोड दिख रहा है ये साइड और वो साइड दिख रहा है ना, बस वो दोनों साइड जो रोड का किनारा है, जिसके मान लो अभी बोलते हैं अंदाज, इनका कहना है कि हमको कैसे दिखेगा कि गाड़ी रोड पे है, तो वहाँ से बैठोगे, यहाँ से जैसे बैठ रहे हैं, तो एक साइड जो ये साइड है राइट का लाइन, ये देख के चलो, और ये लाइन, ये दोनों आपको देख के चलना है तो अच्छे से चलाने की। तो ये अभी पहली बार देख लो, पहली बार में ये हालत, अभी फर्स्ट टाइम में रोड पे लेके नहीं जा सकते,
क्योंकि ये पहली बार सीख रहे हैं, इन्होंने आज तक इससे पहले गाड़ी चलाई नहीं है। तो यहाँ से राइट में लो, ट्रक के आगे से निकालो गाड़ी, ट्रक के आगे से। हाँ ट्रक के, तो देखिए पहली बार ही चला रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा चला रहे हैं, उसके आगे से सीधा निकालो। तो देखिए कुछ न्यू ड्राइवर इस तरह से ड्राइविंग आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सीधा चलो यहाँ से, हाँ यहाँ से चलो, कंट्रोल रख के भगवान मत। तो कैसा लग रहा है पहली बार गाड़ी चला के? पैर कांप रहा भाई, थोड़ा सा डर लग रहा है, डर निकालना है। पैर कांप रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पैर सब हट जाएगा, सारा डर निकल जाएगा, बस डरना नहीं है। आज पहला दिन है, कैसा चल रहा है? हाँ ये आज तक अभी इनको एक महीना हो गया, लेकिन अभी एक नो गाड़ी, उसको जाने दो। तो अब जैसे वो गाड़ी आ रही है उसको जाने दो, तुम स्लो कर लो, जल्दबाजी मत करो, वहाँ लेके चलो, पार्क मत करो, उधर लेके चलो, लेफ्ट में लेके चलो, और सीधा चलाने की कोशिश, एकदम लास्ट में जाके सीधा जाना है आपको। तो अभी हम इसे चलवा रहे हैं गाड़ी, आज पहला दिन है और पहला दिन कुछ इस तरह कर रहे हैं, घुमाओ। ठीक है, न्यू आदमी की पहचान आप देख सकते हो, तुम वाकई में न्यू आदमी। अब आपको बिल्कुल सीधा जाना है, वैन खड़ी है ना वहाँ, आपको सीधा जाना है, मुड़ना लेफ्ट राइट भागना नहीं, बिल्कुल गाड़ी सीधा चलना चाहिए। तो देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाड़ी चला के? बहुत मजा आ रहा है। तो क्या लगता है आप कितने दिन में सीख जाओगे? कंट्रोल करो, कंट्रोल, अब जैसे गड्ढा है इसको तुरंत कंट्रोल कर लेना, ऐसे झटका ब्रेक नहीं मारना, वहाँ से चलो इधर, हाँ ऐसे ऐसे चलो, जिधर से जो रास्ता आया हो ना वही रास्ता फिर आओ। तो पहला दिन है फिर भी ठीक है, लेकिन अभी पहले दिन ही रोड पे नहीं जा सकते, इसलिए ये पार्किंग एरिया है, इसमें हम गाड़ी चलवा रहे हैं, और जैसे जैसे इनको मालूम होगा फिर रोड पे भी लेके जाएंगे और रोड पे इनको दिखाएंगे आप लोग को भी। तो आप यहाँ से आए थे इस पर फिर पूरा सीधा जाना चाहिए, अभी इनको सीधा सीधा चलाना सिखा रहे हैं, क्योंकि रिवर्स अभी नहीं चला पाएंगे, पहला दिन है बिल्कुल, और पहले दिन ही रिवर्स नहीं सिखा सकते, पहले सीधा चलाना आदमी सीखेगा फिर रिवर्स सीखेगा। तो अब जहाँ से लास्ट टाइम गए थे अभी वहीं से इनको जाना है फिर से। तो इस तरह अगर कोई नया आदमी आता है तो गाड़ी चलाना सीख सकता है, बहुत ही आसान तरीका है, बस घबराना नहीं है, डर निकालना है। अभी अगर कोई और सवाल है आपके अंदर तो वो पूछो, क्या जानकारी और मतलब चाहिए हमको, अगर है हम जा रहे हैं हमको साइड मतलब इधर घूमना है, इंडिकेटर जलाना है, इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर के बारे में देखिए बता दें, तो ये चीज हम बताए थे, सबसे पहले गाड़ी के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये जो होता है राइट में, इंडिया में इधर इंडिकेटर होता है राइट में, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में होती है, ये होता है वाइपर, जो आपके वाइपर चलेंगे, इसको नीचे करोगे वाइपर चालू हो जाएगा, और इंडिकेटर ये होता है, आपको राइट लेफ्ट मुड़ना है, नीचे दबाओगे, नीचे दबाओ, नीचे ऐसे करो, ये देखिए लेफ्ट इंडिकेटर चालू, सिग्नल भी सिग्नल देता है, अगर राइट मुड़ना है तो ऊपर का करोगे, हाँ ये हो गया, ठीक। अब बीच में मतलब बंद हो जाता है, अब किसी इंडिया भी ऐसे ही रहता है, इंडिया में सेम है, बस साइड चेंज होता है, यहाँ पे होता है राइट में। इंडिया में एक ही पीसी वाला होता है ना? दो होता है, दो एक कैसे, ये वाइपर भी होता है, लेकिन इंडिकेटर उसका राइट होता है, वाइपर लेफ्ट में होता है, किस साइड चेंज मतलब सेम जैसे सेम उसका सेम ऐसे ही। और किसी को डीपर देना है तो इसको ऐसे ऊपर उठाओगे, ये पासिंग लाइट ऊपर करोगे, ये डीपर हो गया, देखो मतलब पास देना है, हाई लाइट, वो चीज होता है। और लाइट जलाने के लिए देखिए इस पे दिया हुआ है, इसको ऐसे घुमाओ आगे को, ये पार्किंग लाइट जल गया, उसके बाद मेन लाइट ये जल गया, ठीक है। अच्छा मतलब ये लाइट जलाने के लिए, हाँ एक बार जलाओगे तो पार्किंग लाइट हो जाएगा, दोबारा जलाओगे तो हेडलाइट जल जाएगी, ठीक। और हॉर्न यहाँ पे होता है, इसको कहीं से भी दबाओगे, देखो यहाँ दबाओगे हॉर्न बजेगा, यहाँ हॉर्न बजेगा, लेकिन सबसे तरीका यहाँ दबा लो या यहाँ पे हमेशा। और कुछ जानना है तो एक ही दिन में तो आप जान नहीं जाओगे। यहाँ पे देखिए ये एसी का कंट्रोल होता है, ये एसी है, यहाँ से ऑफ लिखा हुआ, इसको लो पे करोगे, ऊपर इसको ऐसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एसी ऑन हो जाएगा, ये इसका टेम्परेचर कम करने के लिए, ये भी सब सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, लेकिन अब एक दिन में नहीं मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे मालूम होगा। चलिए थोड़ा सा और चला के देख लेते हैं, ये चारों विंडो का तुम्हारा कंट्रोल रहता है, ये यहाँ से कंट्रोल कर खुला हुआ है तो यहाँ से बंद कर सकते, ये बंद कर, चारों गेट में होता है लेकिन ये कंट्रोल ड्राइवर कंट्रोल में चारों होते हैं, ठीक है। और इसके आगे गेट लॉक अनलॉक का होता है, और उसके आगे ये जो है ये होता है, ये जो मिरर है यहाँ से लॉक कर दोगे तो कोई दूसरा जो पीछे बैठा हुआ है नहीं खोल पाएगा, वो खोल नहीं पाएगा, हाँ जैसे बच्चे बैठते हैं तो शीशा यहाँ से लॉक कर दोगे तो कोई खोल नहीं पाएगा, वो सिर्फ आपके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और वो जो है
वो जो कंट्रोल होता है वो ये जो साइड मिरर हैं आरबीएम होते हैं, ये दोनों आरबीएम हैं, इनको सेट करने के लिए, ताकि आपको बाहर से ना सेट करना पड़े, अंदर मतलब यहीं से सेट हो जाता है। हाँ, यहीं से लेफ्ट राइट का होता है, सेट हो जाता है। और उतर गए और यार पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार ये गाड़ी चला रहे हैं, शायद पता नहीं, हमको नहीं लगता इन्होंने इंडिया में चलाया होगा। तो देखिए आज पहला दिन है और किस तरह से ये गाड़ी चला रहे हैं। देखिए ये चला के आ भी गए हैं, तो आज पहली बार चलाए कैसा लगा, पहला दिन कैसा लगा? कप रहा है पैर हाथ अभी भी, लेकिन मजा आया चलाने में। क्या लगता है अगर कितने दिन में कोई नया आदमी है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, अगर कोई नया बंदा आ रहा है? कोई आ रहा है तो इंडिया में देखो बहुत बहुत ज्यादा रहता है, बहुत टेंशन रहता है। हम इंडिया में देखते थे, हम सोचते थे कब कब कौन सा गियर दबाए, हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा है, तुरंत सीख जाएगा, टेंशन नहीं है। 10 दिन में कोई नया आदमी रहे तो 10 दिन में हमको लगता है पूरा अच्छा तरीके से सीख जाएगा। तो आज के लिए इतना था, इतने में इनको आज थोड़ा बहुत चलाए हैं पार्किंग एरिया में, क्योंकि फर्स्ट दिन किसी को भी रोड पे लेके नहीं जाना चाहिए। अगर आप भी किसी को गाड़ी सिखाना चाहते हैं, अपने भाई या किसी को, तो किसी को पहले दिन अगर वो पहली बार ड्राइव कर रहा है तो उसको रोड पे लेके कभी मत जाएं। इस तरह का मैदान ढूंढिए या पार्किंग एरिया जो होती है उसमें आप उसको चलवाइए, हफ्ते एक हफ्ता तक उसको चलाने को बोलिए। उसके बाद फिर जब उसका हाथ पैर सेट हो जाए फिर लेके जाओ। तो राजा भाई क्या कहोगे आप, लास्ट आप बता दो, तो वीडियो को यहीं ख़त्म कर दें, काफ़ी लंबा हो गया। जो नहीं जानता है आओ यहाँ पे सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत आसान है, इंडिया जैसे नहीं है। इंडिया में बहुत ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे एक बार कर दो सारा टेंशन ख़त्म, बहुत अच्छा है। तो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, कोई दिक्कत नहीं, और मजा आया चलाने में, कोई वैसा टेंशन नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।